चलो बेटा जल्दी चलो, खेत चलना है और वहाँ प्याली इकट्ठा करके जलाना भी है। अरे बापू ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अब तो सरकार भी बहुत सख्त हुई गई है कि खेतों की प्याली को जलाना नहीं है। तो फिर बेटा ये बताओ कि फसल काटने के बाद जो अवशेष बचा है तो उसको जलाए नहीं तो क्या करें, आखिर वो हमारे किस काम का है बिटुआ? अरे बापू एस कुमार बाराबंकी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं। क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं? का मतलब? मतलब ये कि अब हमें प्याली जलाने की जरूरत नहीं, बल्कि एस कुमार बाराबंकी के क्रांतिकारी निर्माण यानी एस कुमार मल्चर का उपयोग करो। एस कुमार मल्चर? हाँ बापू एस कुमार मल्चर। अब जैसे तुम गन्ना की फसल काटे तो उसके बचे हुए अवशेष या खरपतवार को जलाने की जरूरत नहीं, बल्कि एस कुमार बाराबंकी का एस कुमार मल्चर जो है ना, वो कटी हुई फसल के अवशेष और खरपतवारों को काट कर मिट्टी में अच्छे से मिला देता है और फिर वही मिट्टी खाद का काम करती है। अरे वाह बेटा, यानी एस कुमार बाराबंकी का क्रांतिकारी निर्माण एस कुमार मल्चर फसलों के अवशेषों व खरपतवारों को मल्च करके मिट्टी में मिलाकर खाद बना देता है। हाँ एकदम सही पकड़े है बापू, अब हुआ नाम तो आम गुठलिक दम। अरे वाह बेटा, यानी एस कुमार मल्चर के माध्यम से हम फसलों के उन अवशेषों को भी उपयोगी बना सकते हैं जिनको हम लोग बेकार समझकर जला देते थे। हाँ बापू, अब यूँ समझ लो कि मल माने अवशेष और चर माने खाने वाला या चबाने वाला। क्या बात है, यानी एस कुमार मल्चर का मतलब फसलों के अवशेषों को काट कर मिट्टी में मिलाने वाला और खाद बनाने वाला। एकदम सही। तो बापू देर ना करो और आज ही चलो अपने क्षेत्र के निकटतम डीलर के पास और ले आए चल के एस कुमार बाराबंकी का एस कुमार मल्चर। क्या बात है, चलो चलो।